दोस्तों हिजाब को लेकर कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है, सुनवाई पर सुनवाई हो रही है, लेकिन अभी तक कोई भी फैसला सामने नहीं आया है। लेकिन उसी के बीच हिजाब को लेकर ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ रही है जिसे देखकर कोर्ट पर भी और सरकार पर भी अफसोस होने लगता है। दो वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, दोनों वीडियो अलग अलग वीडियो है। जो हिजाब को लेकर जो वीडियो आई है वो वीडियो सबसे पहले आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, किस तरह मुस्लिम हिजाब वाली मुस्लिम महिला की अब नौकरी भी जाने लगी, जो महिला टीचर हैं उनकी जॉब भी जाने लगी है। और जानते हैं आप लोग आजकल बहुत ही मुश्किल से जॉब मिलती है, नौकरी मिलती है, लेकिन हिजाब को लेकर वो भी नौकरी अब जाना शुरू हो गई है। आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये भाषा तो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, इसीलिए मामला किया है वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए पत्रकार लिखते हैं, हिजाब ना उतारकर मुस्लिम टीचर ने दिया इस्तीफा। कर्नाटक तुमकुर के जैन कॉलेज का मामला, कॉलेज प्रशासन ने मुस्लिम इंग्लिश टीचर से हिजाब उतारने को कहा तो उन्होंने इसके बदले इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम टीचर के मुताबिक वो पिछले 3 सालों से हिजाब में टीचिंग करती आ रही थी, उसके बाद ये मुस्लिम टीचर इस्तीफा दे दिया, पढ़ाना छोड़ दिया। किसी तरह जॉब मिलती है लेकिन हिजाब के कारण वो जॉब भी चली गई। आप सोच सकते हैं किस तरह मुस्लिम हिजाब वाली मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म हो रहा है। अब आइए दूसरी वीडियो देखिए। ये वीडियो देखकर लोग तालिबानी रवैया बता रहे हैं, बिहार की वीडियो है। किस तरह बुज़ुर्गों पर, महिलाओं पर और बच्चों पर पुलिस वाले जुल्म कर रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद तालिबानी रवैया बता रहे हैं, पुलिस वाले जुल्म कर रहे हैं। अब क्यों जुल्म कर रहे हैं, देखिए पत्रकार लिखते हैं, ये वीडियो अफगानिस्तान का नहीं बल्कि बिहार के गया का है। नदी में से बालू उठाव का विरोध कर रहे ग्रामीण बुज़ुर्गों, महिलाओं और बच्चों के साथ पुलिस द्वारा किया गया तालिबानी व्यवहार निंदनीय है। सीएम नीतीश कुमार शर्मा आनी चाहिए। वहाँ के लोग, वहाँ पर एक नदी बहती है, उस नदी से बालू जो रेत है वो निकाल रहे थे, ठेकेदार लोग निकाल रहे थे, लेकिन वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उन लोगों का कहना है कि हम लोगों को परेशानी होती है इसीलिए उठाने नहीं देंगे, विरोध कर रहे थे। तो उसी को लेकर पुलिस वाले किस तरह हाथ मुँह बांध दिए हैं और किस तरह जुल्म कर रहे हैं। दोनों वीडियो अलग अलग है, एक तरफ कर्नाटक के अंदर मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म हो रहा है और इस तरफ बिहार के अंदर बुज़ुर्गों पर, महिलाओं पर और बच्चों पर भी जुल्म हो रहा है। और बिहार में आप लोग जानते हैं बीजेपी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार है। तो दोस्तों दोनों वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट में बताइए। जो लोग नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।